रास्ते से प्रॉपर्टी बैंक में रहेगी पूरी। हाँ, जब हम खरीदेंगे तब वो हमको पेपर्स मिलेंगे। सो हे एवरीवन, और आज हम लोग खेल रहे हैं संडे फंडे में बिजनेस गेम, बहुत सालों के बाद। कितने साल हो गए? 3 साल। तो 3 साल बाद हम लोग ये इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये कॉइन्स थे ना, ये पैसे जो बिना कमाए मिल जाते हैं, किसी ने चुरा लिए थे। चुरा नहीं लिए थे, गुम हो गए थे। सो फाइनली गुम चीजें होती नहीं, मुझे लग रहा है तुमने चुरा के ना इसे पानी पूरी खा लिया था। काश ये कॉइन देखकर पानी पूरी वाले भैया मुझे पानी पूरी देते और मैं इसी से खाती। तो चलिए सजा लेते हैं अपने अपने कॉइन्स, और बैंक को भी सारी चीज़ें दे दी है हमारे पास, हमारी सारी चीज़ें हो गई है। वैसे यहाँ पर बैंक मैनेजर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही सब बन जाओ। मैं ही बैंक मैनेजर बन जाता हूँ। Really? और प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह भी हमने रख दिए अच्छे से संभाल कर। यार मेरे को गिनने हैं क्योंकि बहुत हमारे गेम में ना चीटिंग होती है। और अम्मा भी बैठ चुकी है, अम्मा देखेंगी आज ये वाला गेम। अम्मा वैसे हमें जब से लॉकडाउन चालू हुआ है गेम खेलते हुए ही ज़्यादा देख रही है। कभी हम लोग लूडो खेलते, कभी हम लोग चोर और राजा रानी खेलते, कभी हम लोग क्या खेलते हैं यार, कार्ड्स खेलते हैं। आज अम्मा के लिए नया एंटरटेनमेंट है, ये अच्छा गेम है बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस गेम को। और ये मैं बचपन में बहुत खेलती थी, मैं, मेरे पापा, मम्मी, भाई और अगल बगल वाले बहुत 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 खेलते थे। तो देखते हैं कि आज कितनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे हम। क्या लगता है आपको कितनी प्रॉपर्टी? जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वही जीतता है ना। हाँ, मैं स्टार्ट करूँ? प्रॉपर्टी और पूरा बैंक बैलेंस कैलकुलेट होता है। लोगी औरंगाबाद, औरंगाबाद खरीदना है, औरंगाबाद खरीदना नहीं, okay, नहीं चलना। दो मैं रेलवे खरीदने वाली, मुझे पहले पेपर दो। दे रहा हूँ ना, 9,000 रुपये तो दो। रेलवे इज ब्लू, ओके, ये लो 10,000 रुपये, और बैंक मेरे को 1,000 वापस देगा, और रेलवे का पेपर दे दो। तो रेलवे मेरी हो गई है गाइस, अब आपको जब भी जिधर जाना हो बस मुझे मेल कर दीजिएगा। टिकट आपको पहुंच जाएगी, आपकी इंडियन मोमेंट ड्यूटी ही उसकी ओनर है। क्या हुआ, रेलवे का पेपर नहीं है बैंक के पास? है ना, खोजना पे सजाया नहीं था पेपर। रुको बेटा, आप अपने अच्छा, कितनी अनऑर्गेनाइज बैंक है ये। रेलवे हमारा है गाइस, हमारा। तो रेलवे के नाम पर मुझे लोकल ट्रेन मिली है जी। और एक ये ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन है। मुंबई की लोकल ट्रेन मुझे मिली है। चलो मेरी बारी ना। हाँ। एक मुंबई। ओ मैं चाहिए मुंबई भाई, मुंबई तो तुमने 9,000 दिया नहीं था तुमने मुझे? नहीं 9,000 दिया था आपने, 1,000 नहीं दिया, 1,000 नहीं दिया आपने बल्कि मुझे। तो 1,000 ले लो ना तुम दो, और मुझे ना घर भी नहीं मिला। रुको मैं 9,500 10,000 दिया, 500 अब सबको दिखा कर दो। हाँ 10,000 दिया, नहीं 10,000 दिया, 550 वापस लिया ना। मैं मुंबई किधर है, कौन सा कलर है? ऑरेंज। मेरे को भी दो ना, मेरे को भी नहीं दिया, मुंबई का कलर नहीं दिया है मुंबई। अरे नहीं घर नहीं दिया मैंने, रेलवे दिया ना। नहीं ये वाला घर, ये वाला, ये घर नहीं दिया है, ब्लू वाला ना। हाँ। नहीं मेरे को ब्लू चाहिए। थैंक यू। मेरा येलो आएगा फिर। ये कौन सा, मुंबई येलो है क्या? हाँ मुंबई येलो है, येलो नहीं है। ठीक है चलो रेड ले लो। ओके गाइस नेक्स्ट। तुमने लिया ही नहीं तो कहाँ नहीं लिया, खरीदा थोड़ी, पैसा don't have papers. पैसा थोड़ी paper दिया के बिना घर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये रहता है कि बिक चुका है, इसका मतलब है बिक चुका है और कुछ नहीं। ये रखने मतलब नहीं कि तुम्हारे पास तो ये हो गया ना, इधर से जो जाएगा ना वो तुमको टैक्स देगा 600 रुपये। अगर तुम्हारे पास रेलवे भी होता तो 1100 देता। इसी तरह कोई भी मुंबई से जाएगा ना 7,500 दोनों सीधा 500, 5,000, 6,000 एंड 7,000। ओके सो यहाँ पर पुना अपना हुआ।
मतलब मुंबई तो हो ही गया था, पूना भी हो गया। यू हैव रेलवेज। अच्छा हाँ, मेरे पास रेलवे है और पुणे है, आपके पास मुंबई है, और अनिका ने भी फाइनली ले लिया है रोडवेज। ओके, देखते हैं आज रेंट देंगे कौन सा मेरा ये है तो इनकम टैक्स। ओके सो राज देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का क्या रूल है? ये किधर आ रहा है इनकम टैक्स, पहले पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पर आएगा ना, देखो एक साइड का 50 रुपये। 50 रुपये मैंने दे दिया था इनको इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स पे हो गया आपका। अच्छा हम लोग तो बिना इनकम टैक्स के आगे आ गए हैं। चलो अभी अनिका को चांस। यस एक एक प्रिजन। प्रिजन का क्या रूल है देखो। प्रॉपर्टी तुम 3 and 5 7 से ही गई तो ही मिलेगा, और 2 4 6 से, 1 से नहीं। कुछ तो दे दे यार, 1000 रुपए भी नहीं, कोई नहीं मिलेगा। चलो 1000 रुपए, 500 भी चलेगा नहीं, अरे 50 भी चलेगा। चलो नो चिरौरी, ज्यादा हंसो मत। 500 तो है, तुम अपना दो ना। तुम भी दोगी कल 500 रुपए हर प्लेयर्स को देना है। लिखा इट इज योर बर्थडे, कलेक्ट फ्रॉम ईच प्लेयर ₹500 बेबी ने दे दिया, तुम भी नहीं मिलेगा। अरे अपनी खुशी से आदमी देता है ना। नहीं यार, खुशी से देगा, देना पड़ेगा। ये कौन, ये गधा कहाँ था? मैंने हैदराबाद खरीदा है, और अपनी खुशी से गिफ्ट दिया जाता है, ऐसे मांगा नहीं जाता। 500 रुपए मैं तो मांग लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 50 रुपए मिलना था आपको मेरी तरफ से, उससे कम वाला मेरे पास कॉइन नहीं है। ये अच्छा था बैंक पर मैं भी कम्युनिटी चेस्ट में थी। ये नहीं, अलग अलग रूल है पापा ये वाले। प्यार से बर्थडे गिफ्ट दिया नहीं था इसलिए वापस चला गया। चल 500 रुपए रेंट दो। चलो कितना, मतलब बर्थडे गिफ्ट तूने ने बहुत कंजूसी दिया था, उससे ज्यादा वापस ले लिया। 500 है ना? हाँ 500 है। चश्मा नहीं लगाई? लगाई। चलो मेरा फायदा होने जा रहा है। चलो मेरे को अनिका ने भी पुणे का रेंट दे दिया, दो बार रेंट का भी मिल गया, हैदराबाद का भी मिल गया। 800 रुपए देना पड़ेगा। 800 कैसे यार? 8000। 16 × 50 है, 8000 कैसे हो गया? 800 होता है। ये तो बहुत कम हो गया यार। कम हुआ? 5500 की घर खरीद कर। पापा इससे अच्छा आप 10000 दे दो। क्यों? 800 रुपए देना, 10000 दे दो, तुम तो इसे धंधा ही डुबो दोगी मेरा। वही, मेरे को यार कलर ही नहीं दिखते। हो गया। ओके। 100 रुपीस अनिका से दो। मम्मी से दो। 400 वापस करो। अच्छा। अरे सारा पैसा नहीं, मेरे पास 400 रुपीस नहीं है। फुट कर बैंक से लो। सो मैं रेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ 30000 रुपए है और पैसा नहीं है बोल रही हूँ। दो दो। अरे मेरे को दो यार कुछ। हाँ मुझे दो। हाँ मुझे 200 रुपए मिले हैं रेस्ट हाउस में। लेना है 700 तुमको, फायदा है। गोवा के, गोवा में 700 रुपए में वैकेशन बना रही हूँ मैं। अहमदाबाद चाहिए? अहमदाबाद खरीदोगी? खरीदोगी? इतना पैसा रख के क्या करोगी? ये जमा क्यों कर रही है? इससे चार्ट थोड़ी मिलेगा। 4400 400 मुंबई है, कोलकाता है, चार मेट्रो में से 3 मेट्रो तो आ गया, एक ही बचा है चेन्नई। मेरे पास अहमदाबाद है, चेन्नई, चेन्नई भी इधर रखा, अभी मैं खरीद लूंगा थोड़ी देर में। मेरे पास चार ही मेट्रो आ जाएंगे। जयपुर है, रोडवे। मेट्रो कौन सा है? सारे बड़े शहर तो मेरे पास है। मेरे पास मेट्रो नहीं है यार। हैदराबाद मेट्रो में नहीं, 4 ही तो मेट्रो है, 3 तो मैंने खरीद लिया। ओहो, कलकत्ता बम्बई फाइनली अम्मा को गेम समझ में आया। ये शहर खरीद रख ले हम, दिल्ली कलकत्ता सब आया देखने। ये भी हम खरीद ले, हैदराबाद मैं खरीदी हूँ, मेरे पास है हैदराबाद। चलो अब तुम्हारी बारी। चलो दो, मेरा अभी मैं देखती क्या आता है। दो और अहमदाबाद। अहमदाबाद तो किसी का नहीं है। मेरा है।
मेरा है दो दिखाओ, पैसा दिखाओ। कितना? 400 रुपए दो। 400 दो मेरा। चलो 500 100 रुपए वापस दो। 1000 Yes, 1500 भी उड़ा दिया। Finally, ये कहाँ जाके लेट गया? अरे 1500 लेने के बाद बेचारी गिर गई वो। रेस्ट करने का मन हो रहा। अरे शॉक में आ गई। 1500 मिलने के बाद उसको भरोसा नहीं हुआ। रेस्ट करने का मन हो रहा था उसका। चेन्नई, चेन्नई भी आ गई मेरे पास। चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। चार में खुश। चलो तो जाओ, जा उधर जा कर रहो। तीन जाओ, एक में तो रह रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन। गुवाहाटी तो मेरे पास। गुवाहाटी है पागल। गुरुवत्ता तो मेरे पैसे हो गए खत्म और इन लोग के चेहरे पे आ गई मुस्कुराहट। मोगेम्बो खुश हुआ। पर इस गेम में ये होता है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी जोड़ी जाती है, पता है ना। तो मेरे पास सारे मेट्रोज हैं और किरण के पास भी काफी प्रॉपर्टी है। रेलवे है, एयरवेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ कम नहीं है और इतना पैसा और है। कि अनिका के पास पैसे बहुत है, प्रॉपर्टी कम है। तो हम जोड़ते हैं एक एक करके और फिर देखते हैं कौन जीता। हमारा अनिका को गया 53,500, तुम्हारा हो गया 56,950, मेरा हो गया देखो 0 और 0 और 538 और इधर 4, 8, 12, 8, 20 और 5, 25 और 2, 3, 4, 5, 55,800। यानी कि तुम आ गई फर्स्ट, मैं आया सेकंड, अनिका आई थर्ड। थोड़ा बहुत टक्कर है हमारे तुम्हारे में। ओनली 1000 से तुम जीती हो। अनिका तो बहुत पीछे थी। तुम अनिका ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए ना, इसलिए। कैसा लग रहा है सेकंड आके? छिड़को गिर मत करो, फर्स्ट आई हूँ मैं। पूरा गेम में मेरे को वो किया, तो परेशान। कैसा लग रहा है फर्स्ट आके? अच्छा लग रहा है, पर यार पता जैसे कॉइन खत्म हो गए वैसे ही राज ने खेलना बंद कर दिया। मैं चाहती थी कि इनकी कंपनियां बिके, सब बिके, मतलब और एकदम नीलामी हो, पर मजा ही नहीं आ पाई। Oh no! सब कुछ तो खरीद लिया था, क्या मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो बैंक पे अपना घर दे दे। मैं चाहती थी कि आपकी नीलामी हो। अच्छा, मैं मतलब अपना प्रॉपर्टी दे दे के पैसा लूं और तुमको दूं। हां हां, मैं चाहती थी कि एकदम कंगाल होकर मतलब मैं जीतूं। देखो देखो थर्ड आदमी कैसे बैठा हुआ है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए फिर, ये था हमारा छोटा सा एक वीडियो संडे फंडे। आई रियली होप यू एंजॉयड। अगर एंजॉयड किया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और क्या करिएगा, खाना भी खाइएगा।